तो मम्मी एक बात पूछनी थी मेरे को आपसे कि ये मतलब महक का भी, महक भी बोल रही है और मैं भी बोल रही हूँ, तुम पूछो ना। आप तो अच्छा लगेगा दो ही को एक दूसरे को ऊपर ढोल रहे थे, बताओ जो भी है जो पूछो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हम दोनों सोचा चलते हैं थोड़ा टहलते हैं और हवा लेते हैं। बिल्कुल, अभी गाइस हम लोग बैठे हुए थे तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आया और पिछली वीडियो में भी बहुत सारे हमारे सपोर्टर्स ने, सब्सक्राइबर ने एक कमेंट करा था कि भैया आप लोगों की भी शादी कराओ, धूमधाम से करो, आपकी शादी भी करो। तो वही हम लोग सोच रहे थे बैठे बैठे यहाँ पे कि यार महक अगर ऐसा होता है कि जैसे कि हमारी भी शादी होती तो कितना मजा आता, क्योंकि गाइस अभी हम लोग सभी शादियों में जाते हैं ना तो देखते हैं वहाँ पे किस तरह से डांस चल रहा है, स्टेज सज रहा है, हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है, तो फंक्शन हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग को भी बहुत मजा आता है कि यार देखो किस तरह शादी होती है। और मैं भी वहाँ पर सोचती हूँ यार कि काश मेरे मतलब मेरी भी शादी इस तरह से होती और सब एंजॉयमेंट होता। हाँ, तो एक लड़की का मतलब सपने होते हैं, आप लोगों को पता है सभी के सपने होते हैं भाई शादी को लेके, तो सभी के अरमान होते हैं, सपने होते हैं कि यार हम लोग इस तरह से कपड़े पहनेंगे, इस तरह से सजेंगे, दुल्हन के सपने होते हैं, मतलब बहुत सारे सपने होते हैं हर किसी के। ऐसे सोच रहे थे कि मम्मी से चल के एक बार बात करते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है हम दोनों की शादी को लेके। हाँ। अगर ये हो गया ना भाई, मम्मी ने अगर एग्री कर दिया, पापा ने एग्री कर दिया ना, तो ये समझो कि एक हिस्ट्री बन जाएगी। क्यों मैं वही ना, क्योंकि एक मतलब एक हिंदू पेरेंट्स ने हिंदू मुस्लिम मतलब कपल की शादी कराई तो वो एक हिस्ट्री बनेगी। सही ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग चलते हैं गाइस नीचे और मम्मी से बात करते हैं और देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है हम दोनों को लेके। चले मैं चलो गाइस चलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी, है ना। सो गाइस जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं काफ़ी दिन से सोच रहे थे हम लोग के आपको दिखाए, तो चलो आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं नीचे। देखो गाइस आज मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाने वाला हूँ कि जिसको छूते से ही उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। देखो देखो मैं यहाँ पर छूऊंगा इसको, इसको बोलते हैं छुई मुई। देखना ये देखो, दिख रहा है आपको, सिकुड़ गए इसके पत्ते, ये देखो टच करते से ही सिकुड़ गए सारे पौधे, ये देखो, है ना भाई क्या कमाल है कुदरत की चीजें, तो बहुत ही अलग ही होती है यार, अनोखी। देखो ये देखो, है ना कमाल, ये देखो मतलब मजा आता है यार इसको करने में मुझे बहुत ज्यादा। देखो स्ट्रॉबेरी का भी पौधा है हमारे पास में भाई, स्ट्रॉबेरी का भी पौधा लगा हुआ है यहाँ पे हमारे पास में। एक स्ट्रॉबेरी अभी मैंने तोड़ी है यहाँ से, देखो ये वाली स्ट्रॉबेरी, पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली स्ट्रॉबेरी। पापा बहुत ध्यान रखते हैं पौधों का, सुबह सुबह मॉर्निंग में भी पानी देने के लिए आ जाते हैं पापा ही। और कुछ कुछ पौधे लगा रखे हैं हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे एक मिर्ची का भी लगा हुआ है, देखो इधर मिर्ची भी लगी हुई है छोटी छोटी। पापा को शौक है ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा, ये देखो इधर भी लगी हुई है एक मिर्ची। सो गाइस अभी चलते हैं और पूछते हैं मम्मी से। मम्मी एक बात पूछनी थी आपसे। मम्मी कहीं गए थे एक्टिव वाले अच्छा। मम्मी को सिखा देंगे गाइस, अब आप लोग बताओ मम्मी को एक्टिव सिखानी पड़ेगी, क्यों मैं सिखा दोगी ना? हाँ, गाइस सिखा देंगे ना। है ना, सिखूंगी मैं भी। सिखोगी? हाँ, सिखा देंगे ना। मैं सिखा देगी ये क्या, मैं तो डायरेक्ट बड़ी गाड़ी सीखूंगी, फोर व्हीलर सीधा। हाँ फिर तो पापा को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि गाइस मेरे को भी नहीं आती है अभी तो। नहीं पक्का मैं सीखूंगी थोड़ी ऐसा। हमारी मम्मी मॉडर्न मम्मी है भाई। हाँ मेरे बच्चे जब खुद खरीद लेंगे हाँ। तो मैं पक्का मैं चला के बताऊंगी। अरे क्या बात है भाई, देख लो आज मम्मी ने इतनी बड़ी बात कर दी। हाँ। गाइस मम्मी की जो स्माइल है ना वो बहुत प्यारी है यार, है ना भाई। मम्मी एक सवाल पूछना था आपसे। क्या? अब ये मतलब महक का भी, महक भी बोल रही है और मैं भी बोल रही हूँ, तुम पूछो ना। अरे यार मतलब ये महक बोल रही है ऐसा कि मतलब हम दोनों वापस से मतलब जैसे कि अभी एक बार तो हमारी शादी हो गई है, अब वो सर्टिफिकेट तो मिल गया मतलब कोर्ट में तो शादी हो गई है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं और मतलब सभी लोग भी बोल रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर के वापस से एक बार शादी कर लो अच्छे धूमधाम तरीके से,
हमारी भी इच्छा है और सभी की इच्छा हो रही है। और वैसे भी अभी आपको पता है कि पूरे सब जगह माहौल चल रहा है कि शादी शादी का, तो सभी चाहते हैं कि हमारी भी शादी हो जाए, तो आपकी क्या राय है इसमें? मेरी तो राय ये है कि ऐसे कैसे कर दे, मतलब ये है कि मेहमानों को भी बुलाना पड़े अगर शादी करो तो, उनको भी इनवाइट करना पड़े, और फिर वो उसमें ये भी देखना पड़े कि क्या गाइस मम्मी तो हंसने लग गई अरे यार मम्मी क्या हो गया ऐसे मम्मी नहीं सका क्या मम्मी जो आना चाहे भाई ठीक है, जो आना चाहे वो आए, और नहीं आना चाहे अगर हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो लोग ठीक है, नहीं साथ में देख सकते तो कोई दिक्कत नहीं। अपन तो जो जैसे कि मौसी हो गए और भी बहुत सारे थोड़े बहुत रिश्तेदार हो गए उनको बुला लो साथ में, खास में खास खास है जो अपने को प्यार करते हैं, जो जिनको हाँ जो उसके लिए भी थोड़ा अरेंजमेंट देखना पड़ेगा बेटा, देख के ना उसके बाद में फिर करेंगे, ये भी इच्छा पूरी कर देंगे तुम्हारी। ऐसे भी ज्यादा धूमधाम से नहीं, हम तो खाना वाना भी रख लेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा नहीं यार। हाँ मतलब थोड़ा बहुत हम तो ज्यादा नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ हम मतलब ये महक की भी इच्छा हो रही है कि इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मतलब ऐसा तो कर लेंगे, पर अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा ऐसा। हाँ। पापा से बात कर लेना, पापा बोल देते हैं, पापा से पूछ के ना फिर उनको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा भाई, उनको लाड़ प्यार से ढालना पड़ेगा। वो तो आप ही कर सकती है वैसे ही से, क्योंकि हम बोलने जाएंगे तो वो हमको तो मना ही कर देंगे साहब। मम्मी बोलेगी, मम्मी समझाएगी, एक दिन में तो नहीं मानेंगे, चार पांच दिन लगते हैं उनको पहले शुरू से, वो बोलते ना कि धीरे 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 कर करके एक दिन बोला, दूसरे दिन फिर थोड़ा सा टॉर्चर करा, फिर तीसरे दिन फिर बोला, ऐसे कर करके लास्ट में मम्मी फिर समझा देती अच्छी तरीके से। हर घर की मम्मी ऐसी होती भाई ठीक है, पापा को समझाने में सिर्फ कोई नहीं समझता था, फिर शॉट दे दो थोड़ा सा हाँ तो मम्मी समझा देगी। चलो अच्छी बात है यार, हम तो लड़ रहे थे कि क्या मालूम मानेगी कि नहीं मम्मी, नहीं कर लेंगे जो भी होगा जो, फिर पापा को समझा लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत और कुछ अरेंजमेंट करके ना फिर खाना वाना भी रख लेंगे अपन। हाँ मतलब सिलेक्टेड लोग छोटा मोटा ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब चार पांच दिन का रखेंगे। मैंने तो इतनी बना रखी बेटा कि मैं जिसको बुलाऊंगी वो आ जाएगा। देखो भाई मम्मी ने इतनी बनाई रखी, और मम्मी को मना कौन कर सकता है यार, अब आप खुद ही सोचो आ जाएंगे है ना, जिसको भी बुलाऊंगी नहीं वो भी आएंगे। अगर वो नहीं आए तो फिर वो ऐसा है कि कल से मुझे कुछ सुना देगी ना, मम्मी सुना भी देती है, और फिर उसके बाद में वो ऐसा रहता ना कि ये लोग हमारे घर में शादी हुई तो नहीं आए, तो फिर हम लोग फिर कैसे जाए, तो वो भी बातें रहती है, वो भी बात रहती है। मैं भी इधर उधर जाती हूँ तो सब अटेंड, मम्मी सब जगह अटेंड करती है शादियाँ, शादियाँ बहुत अटेंड करती है, मम्मी को रिस्पेक्ट भी देते हैं, और सब लोग क्या आना जाना लगा रहता है ना, तो इसलिए मम्मी भी बहुत जाते हैं। मेरी तो है ही सही, लेकिन तुम्हारी भी सबसे ज्यादा इच्छा है ना, तो इच्छा पूरी हो जाएगी ठीक है। खुश खुश देखो देखो खुशी तो देखो तो हैप्पी रहोगी सही है ना। चलो गाइस अभी खाना वाना बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। पापा के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि ना पापा बाहर गए थे तो उनको चाय चाहिए थी, तो चाय बनाई उनके लिए, उनका सर दर्द हो रहा था क्योंकि वो ट्रेवल करके आए बहुत लंबे, आप लोगों को पता ही है वो शादी में गए थे जिसके वो अभी आए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर चाय बन रही है, उनको चाय दूंगी अभी। और गाइस ना लाइट अलग चली गई, लाइट का पता नहीं क्या चल रहा है गाइस, रोज ही लाइट जा रही है आजकल हमारे, लाइट चली गई क्योंकि ना अभी मौसम थोड़ा दो दिन से बहुत खराब चल रहा है ना, लेकिन ये मतलब अभी से नहीं हो रहा, ये 10 दिन से प्रॉब्लम हो रही है गाइस हमारे यहाँ एमपी में, पता नहीं मतलब जब हम लोग वहाँ पे भी गए थे, हमारे वहाँ पे जहाँ पे हमारा रूम है वहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ पे भी लाइट जा रही थी, और यहाँ देखो तो यहाँ पे भी लाइट जा रही है। सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग में काट लेते हैं तो उसको 12 बजे आती है कभी कभी, ऐसा सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। एक ही मग्गे बने क्या? हाँ पापा मम्मी और हमने पी ली थी, ऐसा मम्मी और मैंने अभी हार जस्ट पी थी, और अब पापा बचे तो पापा को दे देते हैं, क्योंकि एंड गाइस आज मैंने ना साड़ी वेयर नहीं करी, आज मैंने सूट ही वेयर करा क्योंकि है ना गर्मी बहुत हो रही थी, लाइट भी जा रही थी ना, इसीलिए वैसे भी मैं थोड़ा सा सूट कंफर्टेबल रहती हूँ ना, इसीलिए मैं पहन लेती हूँ,
और मम्मी से वैसे पूछ लेती हूँ, मम्मी मैं साफ सूट पहन सकती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मम्मी बोलते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो पहनना है तो जब वो पहन, तो मैं मुझे जो लगता है मैं वही पहन लेती हूँ। तो मम्मी ऐसा कुछ मतलब बोलते नहीं है इस बात में, तो जो उनको ठीक लगता है वो पहन ले। वो सिर्फ जब बोलते हैं, अधिकतर जब मेहमान आते हैं या फिर कहीं जाना होता है। सही है, वो उनकी जगह ठीक है, जब मेहमान वगैरह आते हैं तो पहनना चाहिए, अच्छा ही लगता है कोई बड़ा आता है तो। ऐसे लिए तो मैं फिर आज इधर भाई खाने बनने की तैयारी हो रही है हमारी। आज क्या बन रहा है? दाल चावल। दाल चावल आज हल्का फुल्का खाना खाएंगे भी, है ना? हाँ, दाल चावल बन रहे हैं। हाँ, मसाले वाली खाना खाया था ना? हाँ, सुबह मसाले वाली गिलकी बनी थी भाई, है ना? मसाला गिलकी। हाँ चलो बना लो खाना, फिर दिखाते हैं गाइस आपको। आ गई,